A very healthy morning all of you. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So today we are just continuing the chapter number 16. And what is the name of our chapter? British Rule and Struggle for Freedom. So beta, in this chapter we already read it about the struggle of European traders, how the British established their rule. Now in today's class we are just going to read revolt of 1857. Beta, this revolt are very very important for us ki hame janna hai ki revolt kyun hua tha, kaise hua tha, and what is the ki ye revolt successful hua tha ya nahi, and rise of nationalism. So beta, these are the revolt of 1857. And tell me that what is that meaning of revolt. Revolt hota hai beta jab hum kisi ke against jaate hain ya vidroh karte hain. So beta, you already read it about the Indian sipai was dissatisfied. Humne pichli classes mein kya padha tha ki jo Indian sipais the wo kya tha, ब्रिटिश गवर्नमेंट से और उनके रूल से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, यानी कि खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे उनकी पॉलिसीज से. सो आफ्टर दैट दे आर ऑल्सो एंगर ब्रोक आउट द एनफील्ड राइफल. बेटा राइफल इज़ अ टाइप ऑफ गन, ठीक है, एक एनफील्ड राइफल आई एंड विच वर इंट्रोड्यूस इन आर्मी, और उस समय पर वो आर्मी में इंट्रोड्यूस हुई क्या, राइफल. ओके, बेसिकली व्हाट इज़ दैट द राइफल. देयर वॉज अ रूमर, रूमर मीन्स अफवाह, एक अफवाह उड़ी कि दैट कवर ऑफ कार्टिजेस ऑफ दिस राइफल वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ पिग एंड काउ. यानी कि वो जो कार्टिजेस है, यानी कि उसमें जो बंदूक होता था या कारतूस होता था, वो किससे बना होता था, काउ एंड पिक के फैट से बना होता था, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द रिलीजियस बिलीव, और वो रिलीजियस बिलीव के लिए काफ़ी हार्मफुल थे, जिसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, जो भी सिपाही होता था उसे क्या करना था, उसको कवर हटाने के लिए उसको उसके टीथ से खोलना पड़ता था. एंड दैट वुड बी हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ रिलीजियन, डिड नॉट अलाउ द ईटिंग ऑफ काउ एंड पिग रिस्पेक्टिवली. काउ हमारे लिए क्या है, इट इज़ अ लाइक अ रिलीजियस फॉर अस. काउ को हम क्या मानते हैं, अपनी माँ के समान मानते हैं, उनको पूजते हैं. एंड सेम एज दैट मुस्लिम्स के लिए पिग को टच करना भी पाप माना जाता है. सो बेसिकली दी और ये दोनों ही कम्युनिटी या दोनों ही रिलीजन के पर्सन किस में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे. सो जब ये रूमर उठा कि एक टाइप की रॉयल एनफील्ड राइफल आई है जिसके कार्टेजेस किससे बने हुए हैं, काओ के, काओ एंड पिक के फैट से बने हुए हैं, सो जब ये चीज़ सिपाहियों को पता चली, दे फील वेरी बैड. द सिपाही रिबेल्ड स्टार्टिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और उन्होंने इस सब चीज़ को मना करते हुए कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, दे हैव स्टार्टेड द रिबिलियन, यानी कि विद्रोह करना शुरू किया, जिसको क्या नाम दिया गया, रिवॉल्ट ऑफ 1857. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंडियन म्यूटिनी और अपराइजिंग ऑफ 1857. बेटा एज यू नो दैट कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 15 अगस्त 1947. लेकिन अगर ये रिवॉल्ट यानी 1857 का रिवॉल्ट सक्सेसफुल रहता तो शायद हम सभी को 1857 में ही इंडिपेंडेंस मिल जाती. सो दिस रिवॉल्ट इज़ ऑल्सो नोन एज 1857 रिवॉल्ट, इंडियन म्यूटिनी और अपराइजिंग ऑफ 1857. सो एंड इन द बेसिकली द मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सिपाही टू ओपनली रिफ्यूज. मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सिपाही, वो फर्स्ट सिपाही थे जिन्होंने इस चीज़ को, जिस दिस इज़ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड दिस इज़ द मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सिपाही टू ओपनली रिफ्यूज़ टू यूज़ द कार्टेजेस. इन्होंने ओपनली मना कर दिया था कि मैं इस कार्टेजेस को यूज़ नहीं करूँगा. ही अटैक्ड हिज सुपीरियर ऑन मार्च 29, 1857. इन्होंने अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उन पे अटैक किया, उनसे लड़ाई करी कि हम इस कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे. एंड ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन अप्रैल
8, 1857, यानी कि इस चीज़ के लिए इनको फांसी पर लटका दिया गया, जिसकी वजह से जो इनके साथ के सिपाही थे वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, उन्हें और ज़्यादा बुरा लगा। ओके, एंड बेसिकली बच्चे दिस रिवॉल्ट स्टार्टिंग इन अ मेरठ। अच्छा स्टूडेंट्स, वेयर इज मेरठ लोकेटेड, कहाँ है मेरठ? मेरठ इज़ इन उत्तर प्रदेश। ओके, मेरठ से ये स्टार्ट हुआ ऑन April 24, 1857, व्हेन द इंडियन सिपॉय रिबील्ड एंड मार्च टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह सफर इज़ द लास्ट मुगल एम्पायर एज अ इंडिया। 1857 में जब 24 अप्रैल को मेरठ से बहुत सारे सिपाही चले, मार्च मीन्स पैदल चलते हुए दिल्ली तक आए, एंड देन टाइम लास्ट मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह जफर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एम्पायर? बहादुर शाह जफर। तो उन सभी सिपाही ने क्या डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर हमारा लास्ट मुगल एम्पायर है। ओके, अब हम इन्हीं को ही क्या मांगेंगे? इन्हीं को ही राजा मानेंगे। दिस न्यूज सून स्प्रेड इन द एंटायर कंट्री एंड द रिवॉल्ट स्प्रेड इन मैनी पार्ट ऑफ कंट्री। जैसे ही न्यूज़ स्प्रेड हुई, फैली, स्प्रेड मीन्स फैला, जब ये न्यूज़ पूरे इंडिया में फैली कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सभी सिपाही ने ये रिबेल कर दिया है, उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया है, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में ये रिवॉल्ट फैल गया। ठीक है, दिस रिवॉल्ट लेट द डिफरेंट लीडर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हर डिफरेंट लीडर ने हर पार्ट के इस रिवॉल्ट को संभाला। अ नंबर ऑफ फार्मर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स, वीवर्स यानी बुनकर, क्राफ्टमैन यानी कि जो हाथ का करघना काम करते हैं, एंड द वर्कर टुक पार्ट इन दिस रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और सभी लोगों ने, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो वीवर्स हों, चाहे वो क्राफ्ट पर्सन हो, वर्कर हो, सभी ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। देयरफॉर दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वॉर को क्या कहा गया है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द रिवॉल्ट कंटिन्यू फॉर 2 years, बट ब्रिटिश फाइनली क्रैश्ड इट। थाउजेंड ऑफ इंडियन वर किल्ड आइदर और अरेस्टेड। बेटा ये इतना ज़्यादा रिवॉल्ट फैला 1857 का, बट फिर भी ब्रिटिश रूल ने आफ्टर 2 years इस रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया, कुचल दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें अरेस्ट भी किया गया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें जेल में भी डाला गया। बेटा दीज आर द थिंग्स, ये मैप है जहाँ जहाँ ये रिवॉल्ट सबसे ज़्यादा फैला और किस किस ने सबसे पहले कमान संभाली। आप देखेंगे इन द फर्स्ट टाइम नाना साहेब तात्या तोपे वर लीडिंग इन रिवॉल्ट ऑफ कानपुर। कानपुर में इस रिवॉल्ट को कौन देख रहा था? नाना साहेब। एंड अच्छा बेटा, वेयर इज़ द कानपुर? कानपुर इज़ ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। नाना साहेब एंड तात्या तोपे वर लीडिंग द रिवॉल्ट ऑफ इन कानपुर। कानपुर में वो इस रिवॉल्ट को देख रहे थे। बिहार में कुमार सिंह लेड द रिवॉल्ट। बिहार में अगर आप यहाँ देखेंगे पॉइंट में, तो यहाँ पे कौन इस रिवॉल्ट को संभाल रहा था? कुंवर सिंह। ओके, नाउ रानी लक्ष्मीबाई, एज़ यू नो दैट रानी लक्ष्मीबाई इज़ फ्रॉम झांसी। शी लेड द रिवॉल्ट अराउंड इन झांसी। ओके, ये कहाँ संभाल रही थी चीज़ें? झांसी में। ओके, देन आफ्टर दैट बेगम हज़रत महल लेड द रिवॉल्ट इन अवध इन लखनऊ। और ये भी लखनऊ में कौन थी? बेगम हज़रत महल, यहाँ पर ये रिवॉल्ट को संभाल रही थी। आफ्टर इतने सारे लोग बेटा हुए, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी थे इस समय पर, बहुत सारे राजा भी थे, बट आफ्टर दिस ये रिवॉल्ट फेल हो गया। हमें अगर इतने सारे एफर्ट्स थे, हमें 1857 में इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए थी, बट क्यों नहीं मिली?
क्योंकि ये रिवॉल्ट एक समय पर आकर फेल हो गया. सो नाउ वी आर जस्ट सीइंग द रीजंस बिहाइंड दिस रिवॉल्ट कि क्या क्या रीजंस थे इस रिवॉल्ट के पीछे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द रिवॉल्ट वॉज नॉट प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली. बेटा ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होती है. बट ये रिवॉल्ट बिना प्लानिंग के स्टार्ट हुआ था जिसकी वजह से लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हट गया, तो जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया. सेकेंड पॉइंट, द रिवॉल्ट डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम एंटायर कंट्री. बेटा कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे थे और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे इंडिया के जिन्होंने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया, स्पेशली लखनऊ, बिहार, झांसी एंड अवध, कानपुर, सब लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, पर पूरी कंट्री ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया. बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे इंडिया के जिन्होंने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया. पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट इट. बेटा बहुत सारे लोग जैसे फार्मर्स, वीवर्स, दे आर सपोर्टिंग दिस रिवॉल्ट, बट सम पीपल, सम लाइक लेडीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवॉल्ट में. ठीक है, लेडीज़ ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, देन और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवॉल्ट में. दैट इज़ वाई दिस रिवॉल्ट आर फेल्ड. द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव गुड वेपन्स. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे इंडियन सोल्जर्स के पास अच्छे वेपन्स नहीं थे. वहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास काफ़ी अच्छे और एडवांस वेपन्स थे जिसकी वजह से वो रिवॉल्ट जीत गए. ठीक है, रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. अब बेटा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, फेल भी हो गया, अब हमें देखना है कि क्या क्या रिजल्ट रहे. सो थ्रू द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस, इट प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बेटा बेशक ये इंडिया की तरफ से ये रिवॉल्ट हम हार गए थे, बट उसके बाद भी एक लोगों में एक बहुत स्ट्रेंथ आ गई थी कि अब हमें anyhow, any by hook or by crook, हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए. द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड. और यही समय था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई. नाउ इंडिया वॉज डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन. यानी कि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पर, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो चुकी थी. अब यहाँ पर डायरेक्टली जो रूल अपने अंडर लिया वो लिया क्वीन विक्टोरिया ने. ठीक है, क्वीन विक्टोरिया ने ये सारा रूल अपने अंडर ले लिया. इंडिया वॉज नो लॉन्गर रूल्ड बाय गवर्नर जनरल बट बाय द वॉइस रॉय. लेकिन अभी क्या था, अभी गवर्नर जनरल सब हटा दिए गए, उनकी जगह पर वॉइस रॉय अपॉइंट किए गए. ठीक है, सो बेटा दीज आर द रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. नाउ राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि हमारे राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई. अभी तक इंडियंस को अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया था, उन्होंने नहीं सोचा था कि हमें अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना है. यहीं से आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जितने एजुकेटेड इंडियंस थे, दे एक्सप्लेन द पीपल इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम. उन्होंने जो एजुकेटेड इंडियंस थे, दे हैव टू लोगों को एक्सप्लेन किया जाके कि वाई फ्रीडम इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, वाई. सो बट एट द टाइम इंडियन सोसाइटी वॉज ग्रैप ऑफ मैनी ईवल्स. बट उस समय पर इंडियन सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे ईवल्स थे, सोशल ईवल्स थे, जैसे कि सती सिस्टम. एज यू नो दैट सती सिस्टम क्या होता है, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम. सती सिस्टम इज़ अ सिस्टम बेटा, बेसिकली जिसमें आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, वाइफ को उसी की चिता के साथ जला दिया जाता था. दिस इज़ द सती सिस्टम, कि कंपलसरी है कि हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी मर जाना चाहिए. दिस इज़ द सोशल इविल. चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, आपको पता ही है कि छोटे बच्चों की शादी करवा दी जाती थी. कास्ट सिस्टम, पीपल आर जजिंग द पर्सन उनके कास्ट पर, यानी कि उनके कास्ट, अगर
अगर ब्राह्मण है तो उसको ज़्यादा इज्जत देना, अगर शूद्र है तो उसके साथ गंदा व्यवहार करना. सो दीज आर द कास्ट सिस्टम. बिसाइड मोस्ट ऑफ द पीपल वर अनएजुकेटेड. और उसके अलावा बेटा उस समय पर एक तो इतने सारे सोशल लेवल्स है एंड आफ्टर दैट सम पीपल आर अनएजुकेटेड ऑल्सो. सो दिस इज वॉज द प्रूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. और अब सभी लोग ये चीज़ पे परेशान थे कि कैसे अपनी फ्रीडम की स्ट्रगल को आगे बढ़ाया जाए. सम आर सोशल रिफॉर्मर्स. कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आए, जैसे कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों को समझाया. सम ऑफ ऑल राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खां, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिगेन द कैंपेन टू ब्रिंग टू चेंज द सोसाइटी. दे स्टार्टेड टू वर्क टूवर्ड्स द ऑब्लाइजिंग देयर प्रैक्टिस ऑफ दीज सोशल ईवल्स. दे हैव टू सेव द पीपल. इन्होंने लोगों को समझाया कि ये सोशल ईवल्स आपको हटा दीजिए. जब तक आप ये सोशल ईवल्स को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी. सो बेटा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यू हैव टू पेस्ट दिस फोटोज़ इन योर नोटबुक. आपको ये पिक्चर्स अपनी नोटबुक में पेस्ट भी करनी है, ठीक है. सो इन्हीं ने यानी कि राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खां, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कैंपेन चलाया सोसाइटी को चेंज करने के लिए. दे स्टार्टेड टू वर्क टूवर्ड्स द एब्लाइजिंग द प्रैक्टिस ऑफ सोशल ईविल्स. दे ऑल्सो कन्विंस द पीपल. इन्होंने लोगों को कन्विंस भी किया टू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. इन्होंने बताया कि जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे आप इन सोशल ईविल्स को ख़त्म नहीं कर सकते. थ्रू देयर एफर्ट्स दे वर एबल टू एरोज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. एरोज मतलब पैदा करना. इन्होंने इन्हीं की एफर्ट से आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने नेशनलिज्म मतलब फीलिंग ऑफ लव फॉर वन ओन कंट्री, यानी कि अपने देश, अपने राज्य, अपनी कंट्री के लिए राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करना, ठीक है. सो नेशनलिज्म इन्होंने लोगों के अंदर जगाया कि अपनी कंट्री को आप कैसे फ्रीडम दिला सकते हो. पहले अपनी कंट्री से प्यार करो तभी जाकर आपको उससे फ्रीडम मिलेगी. दिस नेशनलिज्म डेवलप आ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट. और इसी फीलिंग ने, इसी अपने कंट्री को फ्री करवाने की फीलिंग ने लोगों के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ाया और आगे चल के इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए. उन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा. सो टुडे इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू फोटो कॉपी ऑफ दीज 3-4 और आ सोशल रिफॉर्मर्स, और आपको आपकी नोटबुक में उसको पेस्ट भी करना है. गॉट इट बच्चे. एंड बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दिस वीडियो. टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो यू हैव टू वॉच फुल वीडियो. एंड बेटा इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट सी इन डिक्शनरी. डिक्शनरी में चेक करो. इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी जस्ट चेक फ्रॉम द गूगल एज वेल. एंड बेटा मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोज़ नहीं देखते हैं. सो बेटा बिना वीडियो देखें आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. यू हैव टू वॉच फुल वीडियो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. एंड बेटा कीप सेफ, यूज़ मास्क. आपको पता है केसेस कितने बढ़ रहे हैं तो मास्क एंड सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए. डोंट गो आउटसाइड विदाउट एनी रीजंस. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.